नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं TMJ जॉइंट वैसे मरीजों के लिए जिनके माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम है, उनको प्रॉपर तरीके से मुंह नहीं खुल पाता, वो तंबाकू गुटके खाने के कारण उनका मुंह माउथ जो है वो लॉक हो जाता है, उनके जबड़े में दर्द रहता है, सूजन बनी रहती है, कुछ भी चबाने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि TMJ जॉइंट जो है, जो लोअर पार्ट ऑफ टेम्पोरो बोन और अपर जॉ के ऊपर जो ये जॉइंट बनता है, जैसे आप मुंह खोलते हैं और ये जो डिप बनते हैं, ये हमारा TMJ जॉइंट है। इस जॉइंट में अगर आपको पेन रहता है, कुछ भी चबाने में दिक्कत होती है, कुछ भी आप बाइट नहीं कर पाते या प्रॉपर तरीके से मुँह नहीं खुल पाता, तो हमें कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहला चीज़, ये TMJ जॉइंट डिसऑर्डर किन कारणों से होता है? इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा इंजरी के कारण, अचानक से कोई, जैसे आप कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट जब बाइट करते हैं या अपने जबड़े के नीचे आ जाता है, तो उसके कारण भी TMJ जॉइंट के अंदर पेन की शिकायत रहती है। तो कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपके जॉइंट में पेन होता है तो आपको सबसे पहला चीज़ कि उस जॉइंट को रिलैक्स देना है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमें राइस देना है। राइस मीन्स R फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस पैक। जिस भी पॉइंट पे आपके पेन है, उस पॉइंट पे आपको आइस पैक देना है। 10 से 15 मिनट का आइस पैक देना है, दिन में 2 से 3 बार देना है, उस जॉइंट को रेस्ट करना है, रेस्ट देना है। एंड देन हमें सेमी सॉलिड फूड लेना है, लाइक खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें आपके जॉइंट का ओवर एक्टिविटी ना हो, आप इजीली सॉलो कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ एक्सरसाइज में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहला चीज़ कि हमें एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना है, वैसा एक्सरसाइज जो इस जॉ का जो मूवमेंट है, जैसे कि मुंह ओपन करना। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एक्टिव रेंज ऑफ TMJ जॉइंट इज, सबसे फर्स्ट वन इज़ कि माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हमेशा ध्यान रखें कि जितना अभी जो मैं बता रही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अगर जॉइंट को बहुत ज़्यादा मुंह को खोलने में दिक्कत होता है, तो धीरे धीरे आप स्टेप लैडर मैनर में एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। शुरुआत में जितना आप कर पाते हैं ईजिली उतना करना है, देन धीरे धीरे एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करना है। तो सबसे पहले चीज़ कि मुँह को खोलना है, होल्ड करके रखना है, काउंट करना है 1 to 10 एंड देन रिलैक्स। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ओपनिंग ऑफ द माउथ। Then close. फिर से मुंह खोलना है, बंद करना है। सेकेंड वन इज रोटेशन साइड वाइज। पहले राइट साइड, मैं जॉ को राइट साइड मूव कर रही हूं, देन लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसे आगे की तरफ, देन फिर पीछे की तरफ। दिस वन इज थर्ड एक्सरसाइज ऑफ एक्टिव जॉ मूवमेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है आपको, वैसी एक्सरसाइज जिसमें कि जॉइंट की मूवमेंट नहीं बढ़ रही, सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इस जॉइंट को ताकत दिलाने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है? तो सबसे पहला अपने दोनों अंगूठे को इस तरीके से अपने नीचे लोअर पार्ट ऑफ जॉ में रखना है, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें प्रेस करना है और अपने जॉ से इसको होल्ड करना है ऐसे। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर रिलैक्स, छोड़ देना है। फिर से, दिस वन इज फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें अपर बॉर्डर ऑफ जॉ जो हमारा दांत का है, देन उसको हमें प्रेस करना है नीचे डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, और जॉ से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है। इस तरीके से मैंने अपने दोनों फिंगर्स को अपने दांत के ऊपर रखा है। मैं अपनी उंगली से नीचे की तरफ दांत को प्रेस कर रही हूँ और अपने जॉ से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही हूँ। इस तरीके से करना है। दिस वन इज सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्टिव रेंज में हमें राइट साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है, तो उसी में हमें अपने हाथ को यहाँ पे रखना है
राइट साइड, और अपने जॉ से राइट साइड की तरफ प्रेशर लगाना है। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर हमें लेफ्ट साइड इसी तरीके से अपने हाथ को प्लेस करना है। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। इसी तरीके की आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करके अपने जॉ के आसपास के मसल्स जो हैं, टेम्पोरेलिस है और मैसेटर मसल को स्ट्रेंथन, ताकत दिलाने के लिए आपको इस एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट वन इज हमें मसाज किस तरह से करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो TMJ जॉइंट में टेम्पोरो और मैंडिबुलर है, इसमें दो तरह की मसल्स काम करती हैं, मोस्टली टेम्पोरेलिस मसल और मसल्स ऑफ मास्टिकेटर। तो इसी मसल्स को हमें मसाज देना है जो कि इसकी इंफ्लामेटरी कंडीशन है, जिसके कारण कि इस जॉइंट में पेन है, सूजन है, इंफ्लामेशन का है, उसे सबसाइड करने के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम ले सकते हैं या फिर जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल कोई ऑयल ले सकते हैं। देन जेंटली हमें अभी पहले नीचे जॉ लाइन से होते हुए ऊपर टेम्पोरल जॉइंट तक लेके जाना है। इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में 1 to 10 टाइम्स हमें मसाज करनी है। दिस वन इज फर्स्ट मसाज टेक्निक। सेकेंड मसाज टेक्निक में अपने अपर टेम्पोरलिस बोन से लेके हमें इस तरीके से फ्रंटल तक लेके जाना है। दिस वन इज सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में हमें इसी टेंडर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे, अगर आपका राइट साइड पेनफुल है तो आप राइट साइड मसाज देंगे, लेफ्ट साइड पेनफुल है देन आप लेफ्ट साइड मसाज देंगे, बट आप एक्सरसाइज जो कराते हैं वो सिमिलरली बोथ राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड कराना है। तो सबसे पहला चीज़ कि अपने थंब को इस तरीके से होल्ड करना है एंड देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करते हुए क्लॉकवाइज मसाज देना है एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज मसाज देना है। इस तरीके से मैंने प्रेस किया, फिर इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड देन अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज हमें मसाज को देना है। दीज आर मसाज टेक्निक्स जिसको आपको फॉलो अप करना है। ये मसाज आप दिन में दो बार करा सकते हैं जैसे पेशेंट कंफर्टेबल है। नेक्स्ट वन इज, जैसे कि मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है कि गोल्ड फिश एक्सरसाइज, जो कि गोल्ड फिश जो मछली जो मुंह खोलती है उसमें पार्शियल और फुल माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप इसको इजीली कहीं पे भी कर सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो कि पोस्ट ओरल कार्सिनोमा के शिकायत हैं या फिर ओरल सर्जरी हो रखी है, उन सभी लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैजिकल है। तो हमें एक्सरसाइज कैसे करना है, अपने राइट हैंड को अपने TMJ पॉइंट पर इस तरीके से होल्ड करना है और अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से जॉ बोन पे रखना है, अपने टंग को ऊपर वाले पैलेट को टच करना है और माउथ को ओपन एंड क्लोज करना है। दिस वन इज पार्शियल गोल्ड फिश एक्सरसाइज एंड फुल में हमें पूरा मुंह खोलने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट वन इज मैंने अपने राइट हैंड को अपने जॉ पे प्लेस किया, देन लेफ्ट को यहाँ इस तरीके से टेम्पोरल बोन पे एंड देन हम टंग को ऊपर की तरफ इस तरीके से 1 to 10 टाइम्स में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिमिलरली हमें इसी तरीके से होल्ड करना है और पूरा मुंह खोलने की कोशिश करना है जितना आप कर पाओ। दीज आर ओरल फिश एक्सरसाइज और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग ऑफ टेम्पोरेरिस और मैसेटर मसल। इसमें अपने दोनों हाथ को TMJ जॉइंट के ऊपर होल्ड करना है और अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है और माउथ ओपन करने की कोशिश करनी है। तो आइए देखते हैं हमें एक्सरसाइज कैसे करना है। इस तरीके से अपने दोनों हाथ को अपने TMJ जॉइंट के ऊपर होल्ड किया हुआ है एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही हूँ एंड देन दिस वन इज फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सेकेंड स्ट्रेचिंग में हमें नीचे डाउनवर्ड अपने दोनों उंगलियों को अपने टिथ के ऊपर प्लेस करना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है। एंड रिलैक्स। दीज आर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इन सभी एक्सरसाइज को करके आप इजिली अपने घर पे ही अपने जो भी आपको ओरल रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप सही कर सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि कौन कौन सी बेस्ट होम रेमेडीज़ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।